Start. So uh, before going uh, into the details of what is working capital finance, we should uh, we should understand first working capital cycle. Before we understand working capital cycle, first we understand the current what is current assets. Current assets. Kya hota? ये जानना जरूरी है तो करंट एसेट्स देखो वर्किंग कैपिटल एक्चुअली ये वर्किंग कैपिटल जो है इसको ही फाइनेंस करने के लिए होता है वर्किंग कैपिटल को ही हम लोग करंट एसेट्स ही बोलते हैं एक तरह से समझो तो अगर कोई बिजनेस है कोई बिजनेस है सपोज अ बिजनेस नॉर्मली डज थिंग्स लाइक बाइंग मटेरियल्स मटेरियल्स हम लोग खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रॉम दोज मटेरियल्स है ना तो उसके बाद उसको सेल भी करते हैं प्रोडक्ट को फॉर कैश में भी और क्रेडिट में भी करते हैं गेटिंग मनी फ्रॉम सेल्स एंड देन बाइंग मटेरियल अगेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल साइकिल सो एक प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं ये अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो ये छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स है इसमें मैन पावर इन्वॉल्व है बनाने में ठीक है तो ये जब बनने के बाद ये क्या होता है ये प्रोडक्ट मार्केट में जाता है ये बिकता है तो ये जैसे जैसे बनता है ये सर्कल चलता रहता है सर्कल चलता रहता है तो यहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो यहाँ प्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट तैयार होता है फिर ये बिकता है फिर आपके पास कैश आता है इस तरह से लाइक दैट दिस साइकिल कीप कंटिन्यूइंग तो इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल ऐसे साइकिल को नाउ हाउ लॉन्ग दिस साइकिल टेक्स कैन डिपेंड ऑन साइकिल जो है ये कब तक चलेगा ये डिपेंड करता है किस पर हाउ मच मटीरियल्स हाउ मच मटीरियल्स वी नीड टू हाउ मच मटीरियल्स वी नीड टू कीप ऑन हैंड डिपेंड करता है कि आपके स्टॉक में मटीरियल्स कितना है उस हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल फिर क्या करेगा वो साइकिल डिपेंड करेगा उसके बाद है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक प्रोडक्ट कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में ठीक है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग साइकिल जो है वो अब एक प्रोडक्ट को बनाने सपोज करो एरोप्लेन बनाना है अब इट इज नॉट लाइक दैट कि एरोप्लेन आपका एक दिन में बन जाएगा नहीं तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी का डिफरेंट होगा और एक निडल बनाने वाली कंपनी का डिफरेंट होगा टॉयज बनाने वाली कंपनी का डिफरेंट होगा तो डिपेंड करता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ प्रोडक्ट हाउ मच टाइम वी गिव आवर बायर टू पे अस बैक यह भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम देते हैं अपने बायर्स को जो पे करते हैं हम लोग को वापस से अगर किसी को क्रेडिट पे दिया है सपोज करो कि आप कंपनी हो या कोई कंपनी हो जिसपे आपने दिया है कि ठीक है आप बेच करके मुझे तीन दिन में दस दिन में तीस दिन में नाइन्टी डेज में बेच करके पैसा देना तो इस इसपे भी डिपेंड करता है आपकी वर्किंग साइकिल कितनी लंबी चलने वाली है सो द लॉन्गर दिस साइकिल द मोर मनी वर्किंग कैपिटल होगी वर्किंग कैपिटल की साइकिल होगी उतना आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि जब तक आपको कैश इनफ्लो नहीं आएगा वो आप इंजेक्ट करेंगे नहीं सिस्टम में जब तक सिस्टम में इंजेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कैश चाहिए रहेगा क्योंकि आपको डे टू डे कैश चाहिए होगा रॉ मटेरियल्स के लिए इन्वेंट्रीज के लिए सैलरी के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको डे टू डे कैश चाहिए होगा अगर ये प्रोडक्ट बना अब सपोज करो कि आपने बायर के पास भेजा बायर उसको क्रेडिट पे ले लिया थर्टी डेज के लिए तो थर्टी डेज तक तो आपको पैसा नहीं आ रहा उससे सपोज करो किसी ने ऑर्डर दिया है कि ये बना करके मुझे भेजो मैं थर्टी डेज में पैसा दे दूंगा ये इसको ऐसा ऐसा ऑर्डर दस ऑर्डर आ गया आपके पास कैश क्रंच हो जाएगा तो आपके पास कैश चाहिए होगा अब इससे बेटर सबसे अच्छा ये आइडिया है कि जब कभी भी अगर कंपनी इस तरह की कोई चीज करे तो उसके पास कैश इतनी होनी चाहिए कि उसका वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल करंट असेट समझ गया थी? अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट्स अब आखिर ये जो करंट एसेट्स का है इसका जो फाइनेंस करते हैं करंट एसेट्स को तो उसको सोर्स क्या है किस किस तरह से ये फाइनेंस हो सकता है कि पैसा जो आता है करंट कहां कहां से आ सकता है तो पहला सोर्स है कि खुद का पैसा लगाए हम हम कभी भी शुरू करते हैं कोई भी बिजनेस तो खुद का भी पैसा लगाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि हम खुद का ही पैसा लगा लेते हैं ठीक है तो खुद का ही पैसा लगा ले यानी कि ओनर खुद का कैपिटल लगाए वर्किंग कैपिटल के लिए फिर होता है accruals, Accruals क्या बोलते हैं वो चीज होती है जो आप एक्चुअल में इनकर्ड करते बस नहीं करते हो जैसे सैलरी आपने एडवांस में दे दिए वो नहीं हुआ। आपने कोई भी बिजली का है आप जैसे कंज्यूम किया आपने consume किया उसके बाद आप पैसा दोगे बट आप अपने बुक में लिख लोगे कि बिजली का बिल इतना दिया गया यू इनकर्ड दैट मच ऑफ अमाउंट यू हैव नॉट पेड तो ऐसा जैसे इंटरेस्ट अप्रूवल्स आपका सैलरी अप्रूवल्स आप सैलरी आप पहले नहीं देते हो किसी को आप क्या करते हो पहले काम हो जाता है एक मंथ वर्कर काम करता है उसके बाद आप सैलरी देते हो लेकिन आप उस मंथ की सैलरी को आप उसमें नोट कर लेते हो नेक्स्ट मंथ में नहीं ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है तो एक मनी अर्न बट नॉट रिसीव और एक्सपेंसिस इन बट नॉट येट पेड ठीक है फिर हम लोग देखेंगे ट्रेड क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि जैसे दो दो सप्लायर हैं एक दुकानदार है और एक बायर है एक सेलर है आप उसके पास गए कि भाई ऐसा है मुझे आप जो वर्किंग कैपिटल आपसे लेने ये इन्वेंट्री ले तो आप मुझे उधार ही पे दे दो मैं आपको थर्टी डेज में सिक्सटी डेज में नाइन्टी डेज में पे बैक कर लूंगा ये साइकिल चलता है ये चलता है भी ये ठीक है तो वैसे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट वेन सप्लायर्स गिव प्रोडक्ट नाउ एंड गेट पेड लेटर अभी प्रोडक्ट दे दिया बाद में आपको पैसा देता है देन लोन और एडवांस फ्रॉम बैंक बैंक से हम लोग लोन लेते हैं एडवांस लेते हैं सीसी लेते हैं ओवर ड्राफ्ट लेते हैं बहुत सारी चीज लेते हैं वो भी है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस तो सोर्स ऑफ फाइनेंस एक वन ऑफ दोन और एडवांस फ्रॉम बैंक फिर पब्लिक डिपॉजिट है ये क्या है पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से कभी कभी कोई कंपनी है वो डिपॉजिट लेती है कि पे बैक आपको मैं करूंगा आपसे एक बॉन्ड uh, टाइप का या किसी तरह से चीज है आपको इश्यू कर देते हैं और इशू करने के बाद उसमें एक सर्टन टाइम पीरियड देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप इतने टाइम पीरियड के बाद वो पैसा वापस आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ तो मनी टेकन फ्रॉम द पब्लिक विद द प्रॉमिस टू पे बैक ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट देन है डिपॉजिट बिटवीन कंपनीज दो कंपनी जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ए कंपनी बी कंपनी ए आप पैसा डिपॉजिट लेती है उसके बदले में इंटरेस्ट देती है तो कंपनी बी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है वो कंपनी बी के पास डिपॉजिट कर दिया कि ठीक है मुझे छह महीने के लिए वन मंथ के लिए मेरा डिपॉजिट ले लो और मुझे इतना इंटरेस्ट दे दो तो ये ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं इससे भी करंट असेट्स का फाइनेंस होता है तो डिपॉजिट बिटवीन टू कंपनीज फिर स्पेशल डेप्ट ऑप्शन फॉर वर्किंग कैपिटल डेप्ट ऑप्शन भी है जैसे इक्विटीज या कोई भी बैंक से लोन आप डेप्ट लेते हैं वो भी एक ऑप्शन है कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड पेपर कॉमर्शियल पेपर भी वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट के लिए इंपॉर्टेंट है फिर है आपका फैक्टरिंग है फॉरफिटिंग है ठीक है इसको हम लोग डिटेल से बताएंगे तो ये सारे चीजें हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर करेंट असेट्स के लिए आगे देखते हैं चलिए एक एक करके क्या है इसमें फॉर्म्स ओन पहले हम लोगों ने कहा कि कंपनी कंपनी के जो ओनर है वो खुद ही अपना कैपिटल लगाता है कंपनी ओनर्स ओन्स वर्किंग कैपिटल ओन्स तो ये क्या है कि दिस इज मनी वेयर बिजनेस गेट्स फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेस अब जैसे मान लेते हैं इसने कैपिटल लगाया सपोज करो इसने बिजनेस शुरू करने के लिए टेन लैक्स लगाया टू लैक्स अलग करके निकाल करके दे दिया ये वर्किंग कैपिटल के लिए कि अगर कभी करेंसी आएगा तो वो उस पैसे से हम लोग यूज करेंगे इफ बिजनेस ओनली यूजेज शॉर्ट टर्म अगर शॉर्ट टर्म मनी आप करोगे डे टू डे तो ऑब्वियसली कि कभी कोई आपका जो बिल है, बिल है वो नहीं मिला या कभी ऐसे हो गया कि प्रोडक्शन में कुछ इशू आया तब आपको करंट्स uh, में इशूज आएंगे तो इट माइट रन रन आउट ऑफ कैश समाइम ठीक है तो टू अवॉइड रनिंग आउट सम ऑफ द करेंट असेट शुड बी पेड फॉर द लॉन्ग टर्म मनी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल में से टेन में से टू लाख अलग से निकाल करके रख दिया गया है क्यों इसलिए कि वो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म एसेट्स है करंट एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म वाले में से फॉर एग्जांपल इन इंडिया बैंक्स वांट बिज़नेसेस टू पे फॉर एट ट्वेंटी फाइव ऑफ देयर करेंट एसेट्स दिस वे क्यों दिस इज ट्वेंटी फाइव परसेंट इज कॉल्ड द नेट वर्किंग कैपिटल इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है अब आइए नेक्स्ट फॉर्म्स ओन वर्किंग कैपिटल फंड्स अब अगर मान लेते हैं एलिस्ट्रेशन देते हैं इस पे कि इमेजिन अ फर्म दैट नीड्स हंड्रेड लैक्स दैट नीड हंड्रेड लैक्स फॉर करंट असेट्स ठीक है बट दे हैव ओनली सिक्योर्ड सेवेंटी फाइव लैक्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस सो हाउ मच डू दे नीड फॉर देयर ओन फंड्स एंड हाउ वेल कैन दे कवर शॉर्ट टर्म डेप्टे क्या है यह क्या है कि इसमें एक फर्म है ठीक है हंड्रेड लाख उसका करंट एसेट्स है ठीक है ना नीड्स उसको जरूरत है नीड्स कितने की हंड्रेड लाख की करेंट एसेट्स की बट दे हैव ओनली सिक्योर्ड किसी तरह उसने सेवेंटी फाइव परसेंट मैनेज कर लिया शॉर्ट टर्म सोर्सेस से ठीक है सो हाउ मच डू देर ओन फंड कैन दे कवर शॉर्ट टर्म डेप्ट अभी क्या है कि नेटवर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला टोटल करंट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज टोटल करेंट असेट्स कितना है अपना यहाँ पे हंड्रेड लैक्स टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है करंट लाइबिलिटीज कितनी है सेवेंटी फाइव लैक्स तो नेटवर्किंग कैपिटल कितना हो गया ट्वेंटी फाइव लैक्स ठीक है ये जो ट्वेंटी फाइव लैक्स है ये ही आपका नेटवर्किंग कैपिटल है अब अगर इससे करंट रेशियो निकाले कि करंट रेशियो क्या है कितने एसेट्स पे कितनी लाइबिलिटीज है वो जानने के लिए आपको करंट रेशियो निकालना पड़ेगा तब क्या करेंगे तब कर डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री तो हर एक लाख डेब्ट पे एक लाख हर एक लाख एक लाख डेब्ट पे लाइबिलिटीज पे वन पॉइंट थ्री है इसका मतलब यह हुआ क्लियर नेक्स्ट अब आते हैं कि हम लोग ने इस वर्ड को पढ़ा था अप्रूवल ये अप्रूवल क्या होता है एंड अप्रूवल इज अ मनी दैट अ कंपनी ओर बट हैज पेड येट जैसा मैंने कहा था इट्स लाइक ए आई ओ यू इट्स नॉट आई एल यू आई लव यू नहीं है आई ओ यू है ठीक है तो कंफ्यूज मत कर लिए आई ओ यू है अप्रूवल का मतलब आई ओ यू नॉट आई एल यू तो द कंपनी दिन अबाउट द एंड टू पे इट बट डन सो फार उसको पता है कि सैलरी देनी है उसको पता है कि बिजली का बिल देनी है ठीक है ना उसको पता है कि टैक्सेस देनी है बट वो पेड कर दे एक्चुअल में पेड नहीं हुआ है ठीक है तो एग्जाम्पल सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टैक्सेस इट इज अ शॉर्ट टर्म डेप्ट ये शॉर्ट टर्म डेफ्ट है मैनी अप्रूवल्स आर बेस्ड ऑन रूल्स और कॉमन प्रैक्टिस ये क्या हुआ कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रैक्टिस है जैसे सैलरी हम लोग देते हैं वो बाद में देते हैं जैसे फॉर इंस्टेंट इट्स अ कॉमन टू पे इंप्लाइज वंस अ मंथ हम लोग मंथ में एक बार देते हैं सुनो ऐसा नहीं है कि एक साल में एक बार में पूरी सैलरी दे दिए ऐसा नहीं है या पहले दे दिए ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिस है यूजली दे आर एंट नॉट मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस ये बहुत ज्यादा ये मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है थोड़े से ही पैसे होते हैं जितने भी होंगे टोटल वर्किंग कैपिटल का अगर सपोज करो डिपेंड करता है कि अगर ट्वेंटी फाइव लैक्स की आपको ये एक वर्किंग कैपिटल है आपके करंट असेट्स है तो उसमें कितना होगा इसका फाइव परसेंट भी नहीं होगा टेन परसेंट भी नहीं होगा ठीक है दे आर मोर लाइक रूटीन बिल्स द कंपनी नोज अबाउट एंड प्लांसोर एक तरह का रूटीन बिल्स है वो कंपनी को पता है बट ये भी एक सोर्स है किसका करंट एसेट्स के फाइनेंस का ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट हम लोग ने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा ट्रेड क्रेडिट क्या है एक सप्लायर uh, और बायर इन दोनों के बीच में शॉर्ट टर्म जो ट्रेड होता है क्रेडिट पे उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड क्रेडिट वेर अ कंपनी बाइज गुड्स और सर्विसेज द सप्लायर माइट अलाउ देम टू पे लेटर टलीटली हो सकता है टर्म एंड कंडीशन तो ये वाले पार्ट को जो क्रेडिट में करते हैं इसको ही हम लोग कहते हैं क्या ट्रेड क्रेडिट दिस इज अ पेमेंट इज अ ट्रेड क्रेडिट ये अगर आपका एग्जैक्टली exactly जैसे आप फॉरन पे कर देते हैं तो इट्स नॉट अ ट्रेड क्रेडिट वो आपका ट्रांजेक्शन ट्रेड क्रेडिट में है आप क्रेडिट पे लेते हो इसलिए ट्रेड ट्रेड क्रेडिट क्रेडिट है है ठीक कॉस्ट इवन दो साउंड फ्री इट्स नॉट ऑलवेज अच्छा इसमें क्या, -क्या? Problem क्या हो सकता है कि आप जो ट्रेड क्रेडिट पे लेते हो नाइन्टी डेज में तो जब ये नाइन्टी डेज में लेते हो ये जो सेलर है सेलर बड़ा क्या होता है चालाक होता है बोलता है कि ठीक है ये नाइन्टी डेज पे तो आप दे रहे हो मुझे फाइन हम आपको दे देंगे लेकिन अगर आप मुझे आज के आज पैसा दोगे तो मैं आपको इन सारे क्रेडिट पे टेन परसेंट डिस्काउंट दूंगा तो जो क्रेडिट पे उसका तो 10 हो गया। करो कि इसने वन सीआर का माल खरीदा बोला आज का आज पैसा दे दोगे तो आपका टेन लैक्स बच जाएगा यहाँ नाइन्टी लैक्स में ही हो जाएगा ठीक है लेकिन नाइन्टी डेज के क्रेडिट पे दोगे तो मुझे पूरा देना पड़ेगा तो ऐसे में क्या होता है कि द प्राइस अ सप्लायर ऑफर माइट बी हायर इफ अ कंपनी चूजेस टू पे लेटर बट इफ द सप्लायर ऑफर अ डिस्काउंट फॉर पेइंग सुनर द कंपनी माइ चूज दैट द कंपनी माइ चूज दैट इंसटीड ठीक है कैश फ्लो ठीक है कॉस्ट है इफ अ कंपनी इज शॉर्ट ऑन कैश मान ले तो उसके पास कैश शॉर्ट कर रहा है दे माइट वॉन्ट टू मोर ट्रेड क्रेडिट टू पे लेटर बट इफ दे है प्लेटी ऑफ कैश दे माइट पे अर्ली टू गेट डिस्काउंट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कैश अगर उनके पास है तो वो ये वाला ऑफर चुनेंगे लेकिन अगर कैश नहीं है तो ये ट्रेड वाले ऑफर को चुनेंगे ठीक है तो ये क्या है ये है ट्रेड क्रेडिट है अब आइए वर्किंग कैपिटल एडवांसेज बाय कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक से हम लोग को पता है कि कॉमर्शियल बैंक से किस किस तरह का मिलता है इस पे ज्यादा हम लोग नहीं बताएंगे कि फंड बेस्ड एक फैसिलिटी होती है जिसमें कैश क्रेडिट सीसी होता है ओवरड्राफ्ट लोन बिल परचेज एंड डिस्काउंट ये सारे फंड बेस्ड है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी कौन कौन है लेट जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी दीज आर नॉन फैसिलिटीज है अब आरबीआई पहले क्या इसको कंट्रोल करती थी इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसको लेकिन अब क्या है ना थोड़ा लिबरल हो गई है अब वो स्ट्रिक्ट थी पहले लेकिन अब क्या कहती है अब अब ये रोल रिलैक्स कर दी है अब बोलते हैं बैंक, बैंक डिसाइड करेगा अपने हिसाब से इस पे ठीक है तो ये क्या है कि एक जो सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर करेंट एसेट्स का है वो क्या है वर्किंग कैपिटल एडवांस बाइक कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर अब देखो ये कॉमर्शियल पेपर भी एक सोर्स है किसका करंट एसेट्स को फाइनेंस करने का क्या है ये कॉमर्शियल पेपर होता क्या है ये जैसे हम लोग ने बॉन्ड पढ़ा था वाई टी में याद करो उसी तरह एक बॉन्ड होता है इसमें ठीक है ना इट्स एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो प्रोमिजरी नोट रहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पे करूंगा सीपी कॉमर्शियल पेपर याद रखना तो सीपी एज ए प्राइवेटली प्लेस इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1990 में विद अ व्यू टू इनेबल हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बरोअर्स टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरविंग्स एंड प्रोवाइड एन एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर अब क्या हुआ कि 90 से पहले क्या होता था सारे लोगों को अलग-अलग चीजों पे डिपेंड होना था लेकिन 1990 के बाद जब 1990 नाइनटी में ये सीपी लॉन्च हुआ तो जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी उस वक्त भी थी टाटा थी 1990 में बिरला थी तो ये फैसिलिटी दिया गया कि आप लोग एक ब्रांडेड है ठीक है ना आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ ये कॉमर्शियल पेपर आप लोग इशू कर सकते हैं आप कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू कर सकते हैं आप इनको लेने के लिए जैसे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर भी इन पे भरोसा करते थे कि चलो ये बढ़िया कंपनी है हाई रेटेड कंपनी है तो यहाँ पे हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉरवर्स टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म अब लोन बैंक से ले या कहीं और से ले वो ज्यादा महंगा पड़ता था इससे अगर बैंक के पास जाएंगे तो ये एक मांग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बट अगर सीपी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिक्स परसेंट पे बोल सकता हूँ कि अगले तीन महीने के लिए छह महीने के लिए देख तब भी दो परसेंट बचा इनके पास तो उस आ, सेंस में उस सेंस में ये चीजें इशू होती थी सबसे ऑल ऑल इंडिया इंडिया फाइनेंस वर आल्सो परमिटेड ऐसा पहले कंपनी थी लेकिन अब ऑल इंडिया फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक दिया गया वर ऑल्सो परमिटेड टू इशू सीपी टू इनेबल देम टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट क्लियर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थ्रू सी पी इज नॉर्मली लोअर कंपेयर टू अदर सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड देयर देयर फोर इट सर्व्स एज ए यूजफुल टूल इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्लियर अब देखो कि एलिजिबिलिटी क्या है सीपी यू को करने के लिए जैसा कि परमिशन मिला है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एनबीएफसी कर सकता है बैंक कर सकता है ठीक है ना तो कंपनीज इंक्लूडिंग दीज टू कैन रेज शॉर्ट टर्म थ्रू सीपी ये दोनों जो कर सकते हैं अ कंडीशन इज डेट लेकिन एक कंडीशन है कि जो आप कंपनी है वो फंड बेस्ड फैसिलिटी उसकी यहां पे याद रखना फंड बेस फैसिलिटी मतलब मतलब ये फंड बेस फैसिलिटी है इसमें से कोई भी असेट्स सब स्टैंडर्ड नहीं हो चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए कोई भी एनपीए या सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए तो ये कंडीशन है क्या कंडीशन इज डेट सब फंड बेस्ड फैसिलिटी मस्ट बी क्लासिफाइड एज ए स्टैंडर्ड वेन दे इशू कोई भी उनके पास लोन हो और एनी अदर कॉर्पोरेट बॉडी मस्ट हैव मिनिमम नेटवर्थ हंड्रेड करोड़ सीपी कौन इशू कर सकता है जिसकी नेटवर्थ कंपनी की हंड्रेड करोड़ और वही इशू कर सकता है एंटिटीज का लाडला होगा आरबीआई का चाहता होगा तो वो भी इशू कर सकता है ठीक है कॉपरेटिव कॉपरेटिव सोसाइटीज यूनियंस एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एलएलपी एल पी आर ऑल्सो एलिजिबल इफ दे हैव मिनिम नेटवर्थ हंड्रेड करोड़ और मोर एंड याद रखियेगा इसमें दो चीजें याद रखनी है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एन बी एफ सी बैंक कब कर सकते हैं कि उनकी जो नेटवर्थ हो वो हंड्रेड करोड़ की हो और उनके कोई भी जो फंड बेस्ड फैसिलिटी है बैंक में सारे भी सारे के सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए वो ही यूज इशू uh, कर सकते हैं सीपी नेक्स्ट और बैंक जो आरबीआई का लाडला होगा वो भी अब एलिजिबिलिटी फॉर द इन्वेस्टर कौन खरीद सकता है इसको इंडिया में तो जितने भी रहते हैं जो इंडियन सिटीजन है वो सारे खरीदेंगे क्या एनआरआई खरीद सकता है यस एनआरआई भी खरीद सकता है तो ऑल रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन सीपी एंड एनसीडी नॉन नॉन कॉर्पोरेट डिबेंचर्स

ये ये कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इससे कनेक्टेड है कोई vendor है 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 या इसकी सब parents company है, sister company है, वैसे company को मना किया गया करने के लिए वो नहीं कर सकते अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये देख लीजिए सीपी में आर इशूड एज ए प्रोमिजरी नोट प्रोमिस किया जाता है जैसे डिविडेंड में बॉन्ड में एक प्रोमिजरी नोट रहता है कि मैं धारक को इतना पिक आई प्रॉमिस टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट है ना तो उसी तरह प्रॉमिसरी नोट है एंड आर हेल्ड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म डीमटेरियलाइज का मतलब क्या है डीमेट फॉर्म में होगा थ्रू सेबी ठीक है रजिस्टर्ड डिपॉजिटर्स तो सीपीआर इशूड एज ए प्राइमरी प्रॉमिसरी नोट्स एंड आर हेल्ड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म थ्रू इसमें एक वर्ड होता है रीमटेरियलाइज इसको क्या बोलते हैं जैसे अगर पहले के जमाने में आपके पापा के पास या आपके दादा के पास ग्रैंड ग्रैंडपा के पास बहुत सारे शेयर्स होते थे वो पेपर में होते थे तो उस पेपर को हम लोग क्या कहते हैं वो रीमेटेरियलाइज है और उसको डीमेट क्यों बोलते हैं हम लोग डीमेट अकाउंट यहीं से आया ना ये शॉर्ट फॉर्म है डी मतलब डीमेट और वो री मतलब पेपर में इसको कन्वर्ट कर देना ठीक है डिनोमिनेशन ऑफ सीपी शुड बी फाइव लाख एंड इट्स मल्टीपल्स एंड इन इट्स मल्टीपल्स फाइव लाख के मल्टीपल में सीपी इशू हो सकता है सीपी आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू डिटरमाइंड बाय द इश्यूअर मान लेते हैं सीपी 5 लाख ,00 का है ठीक है ये 5 लाख क्या आपको इशू किया ये फेस वैल्यू है ये सीपी है लेकिन आपको मिल कितने रहा? में रहा 2.95 लाख्स में कितने दिन के लिए 30 डेज के लिए तो आपको यहाँ पे फायदा हो गया है ना नेक्स्ट है नो अंडरराइटिंग और कोएक्सेप्टेंसेस अलाउड फॉर सीपी इश्यूज क्लियर यार ये क्या हुआ? नो कॉल पुट ऑप्शन आर अलाउड कोई भी इसमें डेरिवेटिव्स वाला पार्ट नहीं होगा कॉल पुट ऑप्शन नहीं होगा फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा मेचोरिटी फॉर सीपी रेंजेस फ्रॉम मिनिमम सेवन डेज सात दिन से लेकर के एक साल तक इसकी वैलिडिटी मेचोरिटी रहती है बट अगर कोई भी कंपनी चाहे तो इश्यू कर दे थर्टी डेज से पहले बाय बैक भी होता है आगे बढ़ेंगे बाय बैक भी एक ऑप्शन होता है कंपनी उसको थर्टी डेज से पहले बाय बैक नहीं कर सकती है तो मेचोरिटी जो है सीपी की कितनी है इट रेंजेस फ्रॉम सेवन डेज टू मैक्सिमम वन ईयर याद रखना द मेचोरिटी शुडेंट एक्सीड द वैलिडिटी ऑफ द ईश्वर क्रेडिट रेटिंग ये क्या हो गया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी को समझ में आया जल्दी बताओ किसी को समझ में आया ये लास्ट लाइन यस, यस से और नो हेमंत चिराग गीता गोपाल कृष्णा रमेश ये लास्ट लाइन किसी को समझ में आया नो वेरी गुड और किसी को जो चैंपियन है गूगल नहीं कर रहा अभी और हेमंत के अलावा और कौन है जिसको नहीं समझ में आया देखो ये क्या बोल रहा है ये लाइन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट uh, लाइन है देखो द मेचोरिटी शुडेंट एक्सीड द वैलिडिटी ऑफ द इश्यूअर क्रेडिट अब क्या है कि ये जो मान लेते हैं ये रिलायंस कंपनी है ठीक है इस रिलायंस कंपनी का सीआरए कैश रिप्लेनिश एजेंसी नहीं एटीएम में जो कैश रिप्लेनिश करती है वो नहीं है ये सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है डोंट कंफ्यूज बिटवीन सी आर ए कैश रेटिंग एजेंसी एंड कैश रिप्लेनिश एजेंसी जैसे क्रिसिल है ठीक है ना कुटला है तो ये जैसे क्रेडिट रेटिंग है ये लोग क्रेडिट रेटिंग जो देती है वो एक साल के लिए देती है मैक्सिमम मान लेते हैं इसको इसने फोर स्टार दिया अब ये फोर स्टार जब दिया या नहीं फोर स्टार नहीं ये लोग तो ऐसे देते हैं ना ए ग्रेड में देते हैं ठीक है ए फाइव ऐसा करके देते हैं है है ना थ्री होता सर क्या बोल रहे हैं नहीं सुन रहे थ्री रेटिंग होता है ए थ्री इज मिनिमम रेटिंग बाबा डोंट कंफ्यूज ए थ्री इज अ मिनिमम रेटिंग दैट रिक्वायर्ड टू एलिजिबल फॉर सीपी वैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ए थ्री ए फाइव तो अब सपोज करो कि किसी को ए फाइव है रेटिंग ऐसे समझो ना इसको बताओ, वो बाद में बताएंगे अगर सीआरए ने दिया ये फोर स्टार रेटिंग दिया इसको अब क्या इसकी वैलिडिटी एक साल के लिए है अब इसका परफॉर्मेंस सपोज करो रिलायंस का डाउन हो गया इसकी रेटिंग इसने डाउन कर दी टू स्टार पे आ गया या थ्री स्टार पे आ गया तो ऑब्वियसली देर इज मैटर ऑफ कंसर्न तो बोल रहा है कि ये जो रेटिंग की वैलिडिटी है एक साल की आपकी जो सीपी की वैलिडिटी है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये करता। आपकी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है सपोज करो मान लेते हैं ट्वेंटी फोर है तो आपकी जो मेच्योरिटी है इसमें अगर क्रेडिट रेटिंग एक्सपायर कर रहा है तो so मेचोरिटी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए ये लाइन ये बोल रहा है क्लियर नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है आवाज़ आ रही है मेरी audible now? आवाज आ रही है कंफर्म कीजिए अच्छा फाइन अरे यार यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है अभी भी बहुत बारिश हो रही है उसके कारण नेटवर्क का पेनकल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बिल्कुल ही लाइट लाइट नहीं थी एक सेकंड निकल हम्म तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन कौन है और उनको सेबी से एटलीस्ट एक सीआरए uh, एजेंसी से रेटिंग चाहिए होगा दे नीड टू ऑप्टेन अ क्रेडिट रेटिंग ठीक है ना इशू सीपी फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड सीआरए इफ टोटल सीपी इशुएंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर विच इज थाउजेंड अगर थाउजेंड so और उससे भी ज्यादा हो गया तब एक सीआरए एजेंसी से काम नहीं चलेगा एक का जो लोड है वो एक्चुअली एक का लोड है वो थाउजेंड से नीचे का है थाउजेंड से जैसे भी ऊपर चाहिएगा अब दो का चाहिए होगा आपको ठीक है दो का लोड चाहिए भाई दो आदमी पकड़ के ले जाएगा दो क्रेडिट रेटिंग देगा तभी चलेगा ठीक है अब उसके नेक्स्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है देखो द लोएस्ट ये, ये जो आएगा एग्जाम में ना ये कंफ्यूज करेगा ठीक है ना ये तो आपको पता है ये चाहिए आपको नेटवर्क कितना चाहिए ये तो सिंपल है कंफ्यूजन वाली पार्ट को जो मैं डिस्क्राइब कर रहा ना वो एग्जाम में कंफ्यूज करेगा द लोएस्ट रेटिंग और द मैचिंग लोअर अमाउंट इफ बोथ रेटिंग आर इक्वल इज एडोप्टेड अब जैसे मान लेते हैं कि रेटिंग एजेंसी ए रेटिंग एजेंसी बी इन दोनों ने रिलायंस को इन दोनों ने रिलायंस को अब क्या है कि रिलायंस का जो सीपी इश्यूएंस है वो थाउजेंड करोड़ के अबब हो गया ठीक है इश्यूएंस है अबब अब हो गया ठीक है अब क्या ये दो रेटिंग एजेंसी चाहिए सपोज करो इसने थ्री फोर रेटिंग दिया इसने भी फोर रेटिंग दिया तो रेटिंग कितना आएगा लेकिन अगर इसने फोर रेटिंग नहीं दिया इसने सिर्फ थ्री रेटिंग दिया तो रेटिंग क्या आएगी इसने अच्छा इसने क्या किया इसने हाफ दिया थ्री एंड हाफ अब कितना आएगा रेटिंग So ही आएगा ही आएगा क्यों क्योंकि लोएस्ट रेटिंग है उसको ही कंसिडर करना है अगर दो रेटिंग एजेंसी है से ऊपर अगर सीपी का जाता है और दो रेटिंग एजेंसी से ये लेना है सर्टिफिकेशन तब ऐसे में दोनों में से जो लोएस्ट है उसको कंसीडर करेंगे अगर इक्वल दिया तो इक्वल कोई भी आप रख सकते हैं तो द लोएस्ट रेटिंग और द मैचिंग लोअर अमाउंट इफ बोथ रेटिंग आर इक्वल इज अडोप्टेड द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी ए थ्री ये मिनिमम है आपका ऊपर भी जा सकता है यही बात कर रहे थे आप ठीक है ना डिफाइन बाई से पैरामीटर को बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल ऑन रखिए आप लोग कि ये आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठोगे तो याद आएगी मेरी बात कि सर ने क्या बोला था ए थ्री इशू क्रेडिट एजेंसी नहीं करती है बल्कि कौन करती है से भी करती है ईश्वर में बाय बैक अभी क्या है कि अब किसी ने इशू किया रिलायंस ने नहीं, नहीं यार एक काम करो आ, ये जो छह परसेंट पे हम दे रहे हैं सीपी ये सीपी को वापस ले लो क्यों क्योंकि मेरा जो रिसीवेबल था मान लेते हैं कहीं से रिसीवेबल था वो थाउजेंड करोड़ का कहीं से वापस आ गया तो वापस ले लो उसको क्योंकि झूठ मूठ का अननेसेसरी सिक्स देंगे मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा दस पे तो ये वापस ले लो तो सेबी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है कि तुम इसको वापस नहीं ले सकते हो अभी इसके लिए थर्टी डेज आपको एटलीस्ट तो रखना ही पड़ेगा ठीक है तो बाय का ऑप्शन है इशूड बाय देम टू इन्वेस्टर बिफोर मेचारिती। मेचारिती से पहले ले सकते हैं लेकिन बाय ऑफ सीपी शुड बी थ्रू द सेकेंडरी मार्केट से होना चाहिए प्राइमरी मार्केट से नहीं होगा सेकेंडरी मार्केट से होगा वहां से ही आपको लेगा और सीपी शुड नॉट बी बॉट बैक बिफोर अ मिनिमम पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ठीक है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस याद रखेगा नेक्स्ट अब ये फैक्टरिंग है इसके बारे में कोई बताएगा ज्ञान देगा क्या कि होता है क्या वट इज दिस देखो फैक्टरिंग क्या होता है हम लोग फैक्टरिंग फॉर फिटिंग समझते हैं है ना फैक्टरिंग क्या होता है सपोज करो कि एक यहां पे ये जो ए है ये ट्वाय फैक्ट्री है ठीक है अब ये ट्वाय फैक्ट्री है यहां से ये छोटे छोटे एक्स वाई Z, XX, ऐसा करके ये इनके रिटेलर हैं ठीक है ना ये रिटेलर है इनसे ले जाते हैं सपोज करो कि इसने एक मंथ अभी जो सप्लाई किया वन लाख का ठीक है वन लाख का सप्लाई किया ठीक है इसको टू लाख का सप्लाई किया इसको थ्री लाख का सप्लाई किया ठीक है इसको भी वन लाख का सप्लाई किया है ना अब क्या हुआ इसका टोटल जो अब इसने बोला कि मैं पैसा सिक्सटी डेज में दूंगा इसने कहा नाइन्टी डेज में दूंगा इसने बोला मैं थर्टी डेज में दूंगा इसने बोला मैं सिक्सटी डेज में दूंगा यार इसके पास अभी अगले थर्टी डेज के लिए तो पैसा नहीं है ये सारा पैसा तो इसका निकल गया इसकी भी लिमिट है सारे तो ले रहे लेकिन पैसा आएगा अभी नहीं आएगा तो कब आएगा पैसा कहां से आएगा अब ये पैसा आएगा कैसे यार मेरा इतना जो पूंजी है वन लाख थ्री लैक्स सिक्स लैक्स एंड सेवन लाख ये सेवन लाख मेरा वर्किंग कैपिटल चॉक कर गया अभी अगले थर्टी डेज तक तो ये इनफ्लो नहीं आने वाला कैश फ्लो नहीं आएगा अब क्या किया जाए ऐसे में यहां पे एक एक कंपनी है जिसका नाम है फैक्टर कंपनी फैक्टरिंग ये इसके पास गया बोला भाई देखो ऐसा है मेरा सेवन लैक्स फंसा हुआ है यार और सबका एक टेन्योर है थर्टी डेज नाइन्टी डेज सिक्सटी डेज कुछ कर सकते हो तो बोला क्या चाहिए यार मेरा तो काम ही नहीं अब हम प्रोड्यूस प्रोडक्शन कैसे करें सारा तो चौक किया हुआ है मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए तो बोला एक काम करो ये सारे का सारा मुझे दे दो मैं इनसे कलेक्ट कर लूंगा तो बोला ये जो सेवन लैक्स है ये मुझे दे दो बदले में तुमको अभी हम सारे छह लाख रुपया दे देते दे हैं बाकी नाइन्टी डेज में मैं उससे समझ लूंगा मैं ले लूंगा ये जो भाई साहब है इसको ही फैक्टर बोलते हैं और इस प्रोसेस को फैक्टरिंग बोलते हैं क्लियर इसमें जो खासियत यह है कि ये डोमेस्टिक होता है ज्यादातर ऑलमोस्ट हर केसेस में डोमेस्टिक मार्केट के लिए ठीक है और इसमें दो चीजें और होता है अब यह बोला कि एक चीज और देखो मान लेते हैं एक्स वाई जेड और डबल एक्स डिफॉल्ट कर गया तो पैसा किसको दिया जाएगा पैसा डिफॉल्ट कर तो पैसा किसका गया पैसा जाएगा मान लेते ये भाई साहब ने कहा कि ठीक है मैंने पैसा तो ले लिया आपको डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटेड कर दिया बिल डिस्काउंट कर दिया है चलो ठीक है अब क्या है ये सपोज करो डिफॉल्ट कर गया एक्स वाई जेड डबल एक्स तो डिफॉल्ट जब कर गया या तो ये पैसा देगा ए एक, एक एक केस ये बनता है या तो पैसा नहीं देगा अगर ये पैसा देगा तो इसको बोलते हैं विद कोर्स इस टर्म को बोलते हैं क्या विद कोर्स और अगर पैसा नहीं देगा तो इसको बोलते हैं विदाउट कोर्स क्लियर समझ में आया अब आगे पढ़ो तुमको क्लियर आएगा देखो डेफिनेशन फैक्टरिंग इज अ फाइनेंसिंग मेथड रिलेटेड टू बिजनेस रिसीवेबल ठीक है फैक्टर द फाइनेंसर जो फैक्टर था एफ इन्वॉल्व इन दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टर इट कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब वो एफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक भी हो सकता है बैंक इन्वॉल्वमेंट बैंक कैन इंगेज इन दिस बिजनेस इधर थ्रू देयर और डिपार्टमेंट सब्सिडरी एक अलग से डिपार्टमेंट होगा विद रिकोर्स इफ अ बायर अर पे मान लेते एक्स वाई जेड नहीं दिया द क्लाइंट हैज रिकवर द डेप्ट अगर बायर से नहीं दिया विद कोर्स बताया ना विध रिकॉर्स अगर क्या होगा अगर क्लाइंट ने, पैस ने पैसा नहीं दिया तो यह पैसा किसको देना है ए को देना है अगर बोलेगा कि एक हम मुझे नहीं पता यार तुम पहले से ही मुझे पचास हजार ले चुके हो अब मैं पैसा तो नहीं देने वाला लेकिन ये एग्रीमेंट होगा ये ऐसा नहीं है कि आप जब भी बोला तो विद कोर्स हो गया विदाउट कोर्स हो गया ये पूरा एग्रीमेंट होगा कि ये विद कोर्स वाला एग्रीमेंट है ये विदाउट कोर्स वाला एग्रीमेंट है तो फैक्टरिंग कैन बी विद कोर्स और विदाउट कोर्स कोर्स क्लियर विदाउट में द द क्लाइंट हेल्ड इफ बायर फेल्स टू पे रोल्स ऑफ फैक्टर अंडर फैक्टरिंग क्या क्या करता है वो बाय बैक डेप्थ आपका डेप्ट जितना है बिल वो ले लेगा रिस ठीक है उसके बाद ये भी करता है कि मे कंट्रोल द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू बायर उसको भी कंट्रोल कर सकता है माइट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट द सेल्स लेजर लेजर भी देख सकता है कि आपका कितना बिक रहा है मेरे कंट्रोल में आना चाहिए मैंने ले लिया अब मैं उसको ही चेक करूंगा जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है ठीक है अब आओ फॉर फेटिंग अभी देखो ये हम लोग ने पढ़ा ये अच्छा और ये टॉयस ऑफ था ना अब यहां समझो कि एक बैग बनाती है ये कंपनी बैग बनाती है कहा मुंबई में कोई एक कंपनी है एक कंपनी दुबई में है ठीक है एक कंपनी दुबई में है में, इसने ऑर्डर दिया यार ऐसा है कि मुझे बैग चाहिए कितने का चाहिए बोला मुझे फिफ्टी लैक्स ,00 का चाहिए फिफ्टी लैक्स ,00 का चाहिए आप या फिर दिरहम में कर लो AD, दिरहम में कर लो ठीक है तो फिफ्टी लैक्स ,00 का बैग चाहिए लेकिन यार ऐसा है कि ये जो पैसा है वो मैं तुम्हें नाइन्टी डेज के बाद ही दूंगा ये नाइन्टी डेज के बाद ही दूंगा अभी पैसा नहीं है मेरे पास तो बोला ठीक है बट इसका क्या गारंटी कि आप फेल कर गए आप पैसा दिया ही नहीं और मेरा माल चला गया बोला कोई बात नहीं है एक काम करो तुमको हम एलसी दे देते हैं तो बोला एलसी तो हम नहीं लेते हैं तो बोला कोई बात नहीं है ऑफ एक्शन ले लो बोला हाँ ये तो चल जाएगा बिल अफेक्शन ले लो बोले ठीक है दो एलसी भी देते बिल तो इसने क्या किया एल सी दे दिया एल सी इसके पास आ गया ये हमारे ये हमारे सबसे भरोसेमंद बैंक एस बी आई में गया ठीक है कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ये एल सी आया है बैंक भी हो सकता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कि मेरे पास एक एल सी बैंक और फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो बैंक क्या किया इसको निगोशिएट किया डिस्काउंटेड किया बोला ठीक है ये फिफ्टी लैक्स का है ना ये मुझे मैं आपको इमिडिएटली ये इतना दे देता हूँ बाकी जो एक लाख रुपया है मैं उससे ले लूंगा फिर वो मैं आपका प्रॉब्लम नहीं है इमीडिएटली फोर्टीन फोर्टी फोर्टी नाइन लैक्स मिल गया इमीडिएटली नाइन डेज का वेटिंग पीरियड खत्म अब जो एस वाले से पैसा ले लेगा ठीक है बदले में एस को वन लाख मिला अब मान लेते हैं ये पैसा नहीं दिया ये जो दुबई वाला है ये पैसा नहीं दिया तो ये क्लाइंट देगा क्या ये जो इशू होता है याद रखो जब फॉर फिटिंग में क्या था ये जब भी इशू होगा विदाउट विदाउट रिकोर्स मतलब आरबीआई बोलती है कि जब भी इशू होगा ये फॉरफिटिंग का तो विदाउट रिकोर्स होगा क्लाइंट को कोई मतलब नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी एक लाख ले चुके हैं इसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है आप समझिए पैसा डिफॉल्ट करिए वो आपका हेडेक है तो फर्क क्या हुआ फॉरफिटिंग में एक चीज इट इज बैग्ड बाई एलसी बिल ऑफ एक्सचेंज पहला दूसरा ये इंटरनेशनल है तीसरा विदाउट रिकोर्स होता है और फोर्थ फोर्थ वन उसमें क्या हुआ उसने बल्क में ले लिया उसमें बल्क में जितना भी इन्वॉइस था रिटेलर का उसने ले लिया फैक्ट्री में इसमें क्या किया इसमें वन टू वन केसेस फॉरफिटिंग क्लियर अब आ जाओ फॉरफिटिंग इज लाइक ए फैक्ट्री बट इट्स इशूड टू मेनली फॉर एक्सपोर्ट इन फॉरफिटिंग सेल्स आर बैक बाई एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट The financier, forfeiter pays the export upfront but at a discount rate. Clear? The financier then collects the full amount from the buyer. Later on, forfeiting is without recourse. Meaning is the buyer doesn't pay, the exporter isn't responsible. Clear? Next idea. Up, working capital assessment by bank. देखो अब ये तो हम लोगों ने सीख लिया एक सारी चीजें हैं अब वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बैंक करती है बैंक डिटरमाइन करती टर्न ओवर लेवल से कितना टर्न ओवर है किसी कंपनी का तो जो फर्स्ट स्टेज है लिमिट को कैसे उसके टर्न ओवर के लेवल पे टर्न ओवर कितना है तो एग्जिस्टिंग वर्सन न्यू दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होंगे जब ये एसेस करेगी बैंक किसी के तो उसके सामने दो सिनियो हो गया द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और एग्जिस्टिंग वन ओल्ड है तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या होगा उसमें ऑलरेडी पहले के भी सेल्स होंगे जैसे टर्न अभी का दिखा रहा है कि एक साल पहले का वो टर्न ओवर इतना था दो साल पहले इतना था तो एक फॉरकास्टिंग करता है कि हाँ भाई ये प्रोडिक्शन है कि अगले बार इतना जाएगा प्रोजेक्शन कर सकते हैं लेकिन उसका क्या जो अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है वैसी कंपनी का क्या तो कंपनी के सामने बैंक के सामने दो सिनारियों रहते हैं एक एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस तो उनका पास परफॉर्मेंस देख सकते हैं गाइड कर सकते हैं असेस कर सकते हैं ठीक है दूसरा है फॉर न्यू इंटरप्राइजेस इसका न्यू इंटरप्राइजेस में क्या होता है कि टर्न तो मिलेगा नहीं टर्न तो आप कर नहीं सकते हैं तो आपके उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखेंगे प्रपोज मार्केट शेयर देखेंगे रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी देखेंगे एंड इंडस्ट्री नॉर्म देखेंगे ये दो दूसरा स्टेज हो गया अब इसमें भी चैलेंज है कि एक कंपनी बोलती है कि देखो यार मेरा करोड़ का है तो मुझे इस हिसाब से वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी मतलब एक करोड़ तो चाहिए ही होगी ट्वेंटी फाइव परसेंट नॉर्म के हिसाब से लेकिन बैंक बोलती नहीं आप पे रिस्क ज्यादा है आप एग्जिस्टिंग हो ये हो तो निगोशिएट करते है कि मुझे इतना चाहिए बैंक बोलते इतना देंगे तो चैलेंज एस्टिमेशन डिस्पाइट एनालाइजिंग द डेटा

के, किस स्टेज से चलते हैं अब और आगे डीपली पढ़ते असेसमेंट हम लोग करते कैसे क्या क्या चीज को कंसीडर करते हैं वर्किंग कैपिटल में देखो इसको कंपोनेंट इन्वेंट्री है, है पहला किस तरह का इन्वेंट्री कैसे असेस करेंगे तो अगर सपोज करो कि ये गुड्स है तो मान लेते कोई लेदर कंपनी है गुड्स कंपनी हैज एन हैंड सपोज करो कोई लेदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटीरियल्स हाफ मेड शूज वो उसका इनवेंट्री है उसका रेडी टू सेल शूज फिनिश गुड ये भी रॉ मेटीरियल हम लोग सुनते हैं ना फिनिश गुड हाफ प्रोसेस तो एक शूज शूज का example लिया है मैंने shoes के एग्जाम्पल में लेदर वाले कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग शूज बनाती है उसमें रॉ मेटीरियल क्या होगा लेदर होगा अब उसमें इन्वेंट्रीज क्या क्या है तो जैसे वर्क इन प्रोग्रेस तो उसमें क्या हो सकता है तो हाफ मेड शूज किसी का अभी जो लेदर का ऊपर का अपर है वही नहीं सिलाया है बट कट के रखा हुआ है कुछ बंद करके भी रखा हुआ है तो वैसे को फिनिश करते हैं फिनिश गुड हो गया अब रिसीवेबल बिल्स जो असेसमेंट का एक पार्ट है अमाउंट ओड टू कंपनी कंपनी को पैसा लेना है किसी कस्टमर से उधारी पे दिया है इफ आई स्टोर सेल्स करो उधारी पे तो कस्टमर ऑन क्रेडिट द मनी ओड बाई कस्टमर इज रिसीवेबल उसको ही रिसीवेबल कहते हैं ना कि रिसीवेबल क्या हुआ सर तो रिसीवेबल क्या होगा पेबल क्या हुआ रिसीवेबल क्या हुआ रिसीव करना है मुझे कस्टमर से रिसीव करना है पैसा मैंने उधारी पे दिया है सामान मैंने उधारी पे दिया है तो मुझे अब रिसीव करना है तो उसको हम लोग रिसीवेबल कहते हैं अदर करंट शॉर्ट टर्म असेट्स तो शॉर्ट अदर करंट शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ जाएगा तो इंक्लूडिंग कैश एड एडवांस पेमेंट टू सप्लायर और प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर इंस्टेंस प्रीपेड रेंटल इज अ करंट करंटिल इट इज पेड ठीक है तो अदर करंट एसेट्स में रेंट भी होता है ठीक है ना वो अंटिल पेड उसको करंट एसेट्स में आते हैं नेक्स्ट आ जाओ सोर्स ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अब क्या है कि जैसे हम लोग ने पहले वहां पे पढ़े कि ओन सप्लायर क्रेडिट अदर करंट लाइबिलिटीज बैंक फाइनेंस ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ लिया वहां पे तो एग्जैक्टली exactly अभी जैसे ओन्स वाला पढ़े थे कि बैंक अपना खुद का पैसा निकालेगा तो इसको हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल टर्म में सीखते हैं तो एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स ओवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ठीक है ना एनडब्ल्यू सी वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म एक्से असेट्स ओवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जैसे कि कोई डेली टेक्सटाइल कंपनी है उसका फाइव लैक्स एसेट्स है ठीक है और थ्री लैक्स लाइबिलिटीज है तो एनडब्ल्यूसी क्या होगा टू लैक्स होगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज तो ये टू लैक्स हो गया तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं एनडब्ल्यू सप्लायर क्रेडिट ये एक न्यूमेरिकल नुम, टर्म में सीख लेते हैं हम लोग डिलेड पेमेंट टर्म की एक्साम्पल चेन्नई क्राफ्ट को सप्लायर अलाउज पेमेंटर थर्टी डेज चुके हैं अदर करोन नहीं है ठीक है इसमें क्या हो गया सैलरी बाई कोलका हम लोग सारे चीज देख लिए बैंक लोन भी देख लिया बैंक फाइनेंस सीसी है आ, बहुत सारी चीजें हैं फंड बेस्ड नॉन वन फंड बेस्ड ये सारा चीज देख ही चुके हैं अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ बैंक फाइनेंस ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है देखो पीएल टंडन पीएल थे 1974 जुलाई में इन्होंने एक कमिटी बनाया इनके हेडिंग में एक कमिटी बनी जिसमें बैंक को कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना चाहिए उसकी पूरी स्टडी की और उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया एक थ्योरी दिया कि कैसे करनी चाहिए गाइडलाइन दिया तो उस गाइडलाइन में उस गाइडलाइन में उन्होंने तीन मेथड दिया तीन मेथड दिया उसमें से एक मेथड है क्या कि अंडर दिस मेथड द एंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एनडब्ल्यू सी ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप मींस टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक लोन बैंक फाइनेंस ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए ये वाला पार्ट माइनस करके ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए ठीक है आ जाओ देख लो सपोज करो कि एक शॉप है सारी की उसका टोटल एसेट्स है वन लाख, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है ना प्राइमरी सारीज जिसको बोलते कोर एसेट्स वो है फिफ्टी थाउजेंड अदर आइटम्स फिफ्टी थाउजेंड एसेट्स है ठीक है अब जो फर्स्ट मेथड है इस मेथड पे उसमें क्या बोला गया है कि डिफरेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का कितना ट्वेंटी तो एसेट्स है assets है यहां पे वन लाख ,00 है ना लाइबिलिटीज कितना है सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ थर्टी परसेंट है ना अब इस थर्टी परसेंट का इस टोटल का डिफरेंस का ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो ये एसेट्स हो गया हमारा ये लाइबिलिटीज हो गया माइनस थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दिस इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो द शॉप नीड्स टू सेव एटलीस्ट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये 25 परसेंट आपका एनडब्ल्यू है उस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से दूसरा मेथड क्या बोलता है सेकेंड मेथड ऑफ लीडिंग क्या है अंडर दिस मेथड द इंटरप्राइज वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एनडब्ल्यू ऑफ एटलीस्ट 25 फाइव परसेंट ऑफ द टोटल करंट असेट टोटल करंट असेट्स है उसका 25 परसेंट चाहिए होगा ठीक है तो हम लोगों ने सेकंड मेथड में क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल असेट्स यहाँ पे ये एग्जांपल है तो टोटल तो असेट्स क्या है, है इसका इसका वन लाख क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड द शॉप शुड है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर एनडब्ल्यू सी ठीक है थर्ड थीक आ जाओ थर्ड बोलता है क्या है कि थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग क्या बोलता है अंदर दिस मेथड द एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एज एन डी डब्ल्यू हंड्रेड परसेंट ऑफ कोर एसेट्स ऑफ करंट एसेट्स दैट आर कंसीडर्ड कोर कोर एसेट्स ठीक है एंड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग बोला अब आ जाओ यहां थर्ड मेथड द शॉप कवर्स प्राइमरी सारीज ये आपका प्राइमरी सारीज कितना है इसका हंड्रेड परसेंट प्लस इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हंड्रेड परसेंट तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना है वो तो लेंगे ही लेंगे प्लस आपका जो अदर है अदर एसेट्स उसका हम ट्वेंटी फाइव परसेंट लेंगे इसका मतलब कि इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया कितना ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये तीन मेथड है NDW से क्या ठीक नेटवर्किंग कैपिटल फाइनेंस का अब देखो एक और आ जाए ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कोर एसेट्स क्या होता है सर लाइक क्लोजिंग जैसे कोर एसेट्स क्या होता है देखो कोर एसेट्स क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे एक प्राइमरी सारीज करके ये प्राइमरी है कुछ ऐसी चीज है एसेट्स जो मतलब uh, assets, आपका कुछ फिनिश गुड है जो बहुत फास्ट मूविंग गुड्स है

ये सारी की दुकान है यहाँ पे दिस इज अप रिलेटेड टू सारीज तो टोटल एसेट्स क्या हो गया लाइक सारीज कैश इन हैंड ये टोटल एसेट्स हो गया टोटल लाइबिलिटीज डेब्ट टू सप्लायर लाइबिलिटीज हैं कि जिनसे साड़ी खरीदे हैं बेचने के लिए वो टोटल लाइबिलिटीज है प्राइमरी साड़ी ही कोर एसेट्स है मेरा खुद खास प्रोडक्ट है क्लोजिंग है स्टॉक

जो फास्ट मूविंग जो मिलता है प्रीमियम क्वालिटी का वो मेरा कोर एसेट्स है तो जो तीसरी वाली जो मेथड uh, है ये जो बोलता है कि थर्ड मेथड ऑफ अंडर दिस इंटरप्राइज वाज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन एज एनडब्ल्यू हंड्रेड परसेंट ऑफ दोज करंट एसेट्स दैट आर कंसिडर्ड कोर एसेट्स एंड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग तो अब एक बात बताओ इस वाले एग्जाम्पल में कितना चाहिए होगा ये 25 तो उसका आ गया किसका ये आ गया अदर का और हंड्रेड परसेंट क्या था तो ये टोटल आप क्या करोगे प्लस फिफ्टी थाउजेंड करोगे इसमें तब आपका यहां पे आएगा क्या सिक्सटी 62... टू कितना मांगता है अब आ जाओ एक और यहां तक तो समझ में आ गया कहानी चलिए थोड़ा कहानी थोड़ा ट्विस्ट करते हैं पढ़िए जरा आप लोग क्या है देखो अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया समझने के लिए बुक में ये क्वेश्चन है फर्क कितना है कि इन लैक्स ठीक है तो करंट असेट रॉ मटेरियल टू हंड्रेड लैक्स स्टॉक इन प्रोग्रेस ट्वेंटी फिनिश गुड 90 रिसिवेबल फिफ्टी अदर एसेट्स टेन टोटल करंट असेट्स कितना हो गया टू सेवेंटी उसी टोटल ये सॉरी ये लाइबिलिटीज है ठीक है टोटल लाइबिलिटीज कितना है थ्री थ्री फिफ्टी ये सिनारियो है अ बिजनेस इज ट्राइंग टू डिटरमाइन हाउ मच इट कैन बोरो कितना पैसा वो बोरो कर सकती है बिजनेस for this it looks at its current assets thing its own that can quickly turn into cash like a stock and its current liabilities amount its owed and need to repay soon ठीक है अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट मेथड में इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा और उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट पड़ा था एक चीज और पड़ा था उस वाले केस में बैंक नहीं था यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है है एक्सक्लूडिंग बैंक ठीक तो करेंट एसेट्स उसमें कितना है आइए देखते हैं देखो अभी क्या है कि हम लोग ने यहां पे करंट थ्री सेवेंटी देखा दिखाते हैं वो ठीक है इसका ट्वेंटी ना? ऐसी ना सोचे थे? यही था ना क्वेश्चन हाँ ना बोलो बाबा ये जो है अभी हम लोग ने पढ़ा था क्या पढ़ा था फर्स्ट जो मेथड था वो क्या बोलता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ठीक है माइनस बैंक बोरिंग उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कहा था ना लेकिन सारी वाले केस में बैंक नहीं था इन्वॉल्व तो इस वाले केस में क्या होगा यहाँ देखो सारी वाले में बैंक बोरिंग तो था नहीं अब यहां देखो यहां पे आपका बैंक बोरिंग भी है तो आप क्या करोगे यहाँ आप क्या करोगे थ्री सेवेंटी माइनस वन फिफ्टी क्यों आपको थ्री फिफ्टी में से टू हंड्रेड माइनस करना है क्यों क्योंकि आपके बैंक बोरिंग भी है, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 150, तो टू ट्वेंटी तो आएगा इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज फिफ्टी फाइव है ना अब इसका जब फिफ्टी फाइव परसेंट आ गया तो मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो हमारे टंडन कमेटी में पीएल टंडन साहब ने कहा था जो अपना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मेथड में के आप मैक्सिमम बैंक uh, कितना हो सकता है तो टू फिफ्टी माइनस फिफ्टी फाइव होगा टू ट्वेंटी माइनस फिफ्टी फाइव कितना आएगा कितना कर सकते हैं ये तो मार्जिन हो गया ना बैंक की तो मार्जिन हो गई है टोटल असेट्स में से माइनस करके ये मार्जिन हो गया इतना कर सकते हैं क्लियर हुआ यहां yes, है बाबू इसमें कैच क्या है कि ये जो बैंक है ऑलरेडी टू हंड्रेड तो ले चुकी है टू हंड्रेड तो ऑलरेडी इसके पास है तो अभी तो पैंतीस तो ये माइनस में ही है क्या इसको लोन देंगे आप नहीं हम्म समझ में आया अब देखो ये ये नोट करो मुझे सेकंड मेथड का स्क्रीनशॉट मारो इसको आप लोगों के लिए एक्टिविटी है इसको स्क्रीनशॉट मारो सेकंड मेथड थर्ड मेथड का सलूशन मुझे आप कल भेजना ग्रुप में तो मतलब सर फर्स्ट मैटर के हिसाब हम नहीं दे सकते हैं ना करेक्ट तो या तो देंगे मतलब नहीं देना पड़ेगा ना उनको कैसे देंगे आप वो ऑलरेडी बैंक में उसका पर लोन है तो उसका तो क्रंचेज है ना तो देने का नहीं ना अभी उनको मतलब नहीं, नहीं दे नहीं सकते, दे सकते आप ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है ना वो ओके अगर समझे दो सौ के बदले वन फिफ्टी होता देखिए बैंक पे मैंने क्या कहा यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन आपसे आएगा इस मेथड से ठीक है आपको ये ऐसे दे देगा

तो आपका ये आंसर रहेगा ठीक है? तो oh, बार, बार है, है अब इस वाले एग्जाम्पल को इसका स्क्रीन शॉट मारिए और इसको ग्रुप में कल मुझे बना करके आप लोग दिखाएंगे पेपर में ही बना करके दिखाएंगे चलेगा ठीक है आप इसका सेकेंड और थर्ड ग्रुप में शेयर कर दीजिए कोई आदमी ठीक है अब आ जाइए ये, ये तो हो गया अब आ तो कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट दूसरा मेथड है कैश बजट इसमें क्या होता है कैश बजटिंग मेथड क्या होता है कस्टमर विद वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ हंड्रेड जिनको हंड्रेड करोड़ से ऊपर होता है मतलब हंड्रेड करोड़ है लिमिट ओवर पाप फाइव करोड़ फाइव करोड़ से ज्यादा है तो उनको ये वाला बैंक पिच करता है कि वाई डोंट यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड तो बैंक इस वाले पे ही जाता है ठीक है However, the choice is at the bank's discretion. ये बैंक का है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इसलिए तो ये इसकी इसकी और भी ज्यादा फैसिलिटी है कुछ तो बैंक बैंक पे डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कैसे वो कॉल लेते हैं बट पहला जो लिमिट है वो फाइव 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 करोड़ के ऊपर होना चाहिए इंटरनलेंट इट शुड बी सैटिस्फैक्ट्री एंड अलाइन विद ऑपरेशनल जितना भी उसका rating है, वो सारे अप होना चाहिए एस पर रिक्वायरमेंट बोरोवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पूछता है कि ठीक है ये जो मेन चीज है इसमें फाइनेंशियल आपकी कंपनी में एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एम बी ए फाइनेंस ये तो सारे इसमें से कोई प्रोफेशनल या इनमें से दो या दो कोई भी एक, एक प्रोफेशनल होना चाहिए ठीक है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट इज नेसेसरी अब आप वाही खाता पे नहीं चल रहे हो आपके पास सिस्टम है आपके पास सिस्टम है और आप सिस्टम पे काम कर रहे हो हर चीज कंप्यूटराइज आपका कहाँ से पैसा आ रहा है डिटर कितना है टेलीमेंट्री कर रहे हो ये सारी चीजें होनी चाहिए कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग इट्स अ मोर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है ठीक है ना बैंक फाइनेंसिंग इज गिवेन एज ए शॉर्ट टर्म लोन द लोन कैन बी रीपेड इन सुटेबल इंस्टॉलमेंट ये इतना ही है कैसे होता है डिटरमाइनिंग वर्क कैपिटल फाइनेंस इज इट बेस्ड ऑन द पीक लेवल ऑफ कैश डिफिशिट अब पीक लेवल कैश डिफिशिट क्या क्या हो गया अब जैसे मान लेते हैं कि ये कंपनी है अपना फेवरेट ए ठीक है अब मान लेते हैं इसका डे वन डे वन में इसका जो ये वाला पार्ट है इनफ्लो और ये वाला पार्ट है आउटफ्लो ठीक है इस वाले इनफ्लो में मान लेते हैं ये डे वन है डे टू है डे थ्री है

तो जब बैंक फाइनेंस करती है इसमें तो ये देखती है कि कब आपको कैश का करंश हो रहा है यहां पे तो आपको लग नहीं रहा है यहां पर आप प्लस में हो यहां पे आप माइनस में हो यहाँ प्लस में हो है ना माइनस में हो आउटफ्लो है ये इनफ्लो है कैश आ रहा है और ये कैश निकल रहा है इसका मतलब है बैंक की तरफ से ये वाला पार्ट आपका माइनस है शॉर्ट कर रहा है और ये जो पैसा है इनफ्लो है मतलब पैसा आया और आपका पैसा गया क्या मतलब ये माइनस हो रहा है वन थाउजेंड उसी तरह आपका इनफ्लो सेवन थाउजेंड आया फिर फाइव थाउजेंड आपका प्लस हो रहा है मतलब आ रहा है एग्जैक्टली exactly मालूम करना मुश्किल है सर ये प्लस माइनस नहीं समझाओ मैं समझा इनफ्लो है और आउटफ्लो ज्यादा है तो नेगेटिव होगा ना मेरे लिए बैलेंस देख लीजिए एक मिनट रुकिए इनफ्लो है आउटफ्लो है है ना मान लेते हैं डे वन है डे वन में सेवन थाउजेंड है सेवन हंड्रेड लेते हैं छोटा फिगर लेते हैं एट हंड्रेड है नाइन हंड्रेड है टू हंड्रेड है सिक्स हंड्रेड है इनफ्लो है इन हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड जीरो इलेवन हंड्रेड यहाँ क्या होगा फर्स्ट वाले में क्या होगा नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत बार होगा एग्जैक्टली exactly, नेगेटिव होगा टू हंड्रेड यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा होगा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव होगा यहां पे क्या होगा पॉजिटिव होगा यहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा ये क्लियर हुआ या, या कोई तो ये ऐसा करेगा डेली का तो पता कैसे चलेगा यार कि डेली अप एंड डाउन हो रहा है डेली कुछ ना कुछ हो रहा है तो बैंक बोली कि ऐसा है कि आप लोग एक काम करो ये डेली का तो नहीं समझ में आ रहा है आप इसको ना मंथली वाइज लाओ मंथली या क्वार्टरली लाओ ठीक है ना मंथली या क्वार्टरली लाओ तब पता चलेगा ये एक एक करके नहीं समझ में आ रहा तो मान लेते हैं मंथली आपका टेन लैक्स है ठीक है ये इनफ्लो है आउटफ्लो आपका जा रहा है ट्वेल्व लैक्स ये जा रहा है तो बैंक को यहां पे डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है अब ये देखिएगा कि आपका पीक क्या है पीक पे आप जब जाते हो एक मंथ में या क्वार्टरली मिला करके कौन से मंथ में तो पीक जो आपका डेफिसिट है यहां पे आउटफ्लो आपका टू लैक्स का यानी टू लैक्स आप माइनस में हो तो ये आपका डेफिसिट है यहां पे आपको करंट है आपको कैश कैपिटल चाहिए होगा करंट करंट असेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ये दो लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे बैंक से लाओगे कहीं से मैंने सोर्स ऑफ फंड बताया तो ये सेकेंड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है उस हिसाब से मैंने बताया कि ये यहां पे करंसेस है तो फिर ऐसे में क्या करेगा तो बैंक बोले कि जहां पे आपका मिनिमम जहां पे पीक डिफिसिट है पीक डिफिसिट वहां का वो जो मिनिमम उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए वो आपके पास उतना अवेलेबल होना चाहिए एनडब्ल्यू सी के किस मेथड से कैश बजट मेथड के लिए उतना होना चाहिए ले आप, अब देखो कि इसमें बोला कि ठीक है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप बोला कैलकुलेट कुछ नहीं आप ओपनिंग पीरियड वन है जैसे मान लेते क्वार्टर वन है ये क्वार्टर टू है ये क्वार्टर थ्री है ये क्वार्टर फोर है ठीक है एक साल का मुझे निकालना है ओपनिंग बैलेंस आप कुछ भी ले लो मान लेते हैं एक्स वाई जेड अब फिगर तो लिखना है ये था आपका अब टर्म लोन आपने लिया है बैंक से उसको भी डाल दो इसमें उसके बाद आपने आपका जो से जो से पैसा आया है वो भी डाल दो इसमें ठीक है उसके बाद अदर जो कैश इनफ्लो आया किसी तरह का उसको भी डाल दो अब उसके बाद जो टोटल हुआ उसको टोटल को इनफ्लो में डाल दो कितना इनफ्लो आया कितना इनफ्लो आया उसी तरह आप ये 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 जो इनफ्लो आया आपका यहां पे टोटल इस क्वार्टर में ये आपका क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस ठीक है फिर यहां पे ये जो है, इसका फिर हो जाएगा उसी तरह फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्लियर अब देखो कि ये तो इनफ्लो हो गया आउटफ्लो में क्या होगा आउटफ्लो में आपको कंसिडर करना होगा ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल परचेज है ना लेबर इसको जोड़ना होगा पावर एंड फ्यूल ये भी कंसीडर करना होगा ये सारे पैसे जा रहे हैं आपके खर्च हो रहे हैं कंपनी में पेमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ये भी पैसे जा रहे हैं आपके अदर कैश शॉर्ट फ्लो ये भी गया आपका पैसा अभी टोटल को आप बिल्कुल जोड़ दो उसके बाद टोटल आउटफ्लो कितना हुआ कैश सरप्लस और डेफिसिट वो डाल दो उसके बाद कैश सरप्लस और डिफिसिट या कुछ भी फिगर आया यहां पे फाइव से आर आया इतना आ रहा अब आ, आपको बैंक से चाहिए कितना बैंक से कितना चाहिए वो आपको लिखना है यहाँ पे इस क्वार्टर में मुझे इतना इतना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यहाँ पे फिर क्लोजिंग ये फॉर्मेट है किसका कैश बजट मेथड का असेसमेंट का ऐसे हम लोग कैश बजट निकालते हैं क्लियर कोई कंफ्यूजन अब आ जाओ टर्न ओवर मेथड वो क्लियर हो गया ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें चलो दूसरा आते हैं टर्न ओवर मेथड ऑफ असेसमेंट ये क्या है उसका एनुअली ट्वेंटी फाइव परसेंट चाहिए होगा ठीक है ऑट ऑफ विच ट्वेंटी परसेंट ये बैंक देगी आपको लोन और फाइव परसेंट आपको खुद का निकालना होगा मार्जिन ये है आपका टर्न ओवर मेथड ठीक है फॉर टर्न ये इसमें बस यही है कि बैंक आपको ट्वेंटी परसेंट देगी प्लस फाइव परसेंट मार्जिन आपको खुद का निकालना होगा तो अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि इसको बंदे को फाइव लैक्स ,00 चाहिए ठीक है ना फाइव लैक्स ,00 उसको चाहिए लोन और फाइव लैक्स ,00 लोन चाहिए तो उसको कितना फाइनेंस कितना मार्जिन निकालना पड़ेगा सिर्फ इतना क्वेश्चन रहेगा आपसे इतना ही पूछेगा कि फाइव लाख लोन चाहिए उसको ये टर्नओवर मेथड में फाइव लाख लोन चाहिए उसको कितना अपना निकालना पड़ेगा कैसे निकालिएगा लोन चाहिए उसको तो कैसे निकालिएगा ठीक है तो इसमें आप क्या करेंगे आपको फाइव परसेंट है यहां पे ट्वेंटी परसेंट है मार्जिन कितना है ट्वेंटी परसेंट तो फाइव लैक्स ,00 इसको लोन चाहिए ये मतलब कि ये क्या है ट्वेंटी परसेंट होगी ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया किसका मान लेते हैं फाइव लैक्स ,00 है लोन चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो टोटल वैल्यू क्या है, 20 ,00 है ना ट्वेंटी लैक्स ,00 है टोटल वैल्यू अब इस टोटल वैल्यू में इस टोटल वैल्यू में ट्वेंटी लैक्स ,00 में से इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या होगा फाइव क्योंकि ही इतना ही मिलेगा इसमें से मार्जिन आप कितना दोगे फाइव लैक्स में इसका फाइव परसेंट कितना हो फाइव परसेंट कितना पचीस हो हजार इसका? इसका होगा ये ट्वेंटी फाइव परसेंट है टोटल ओवरऑल ठीक है ये इसको लोन मिलेगा टोटल रिक्वायरमेंट है जितना उसका आपको पच्चीस परसेंट मिलता है एनबीडब्ल्यू तो टर्न मेथड में असेसमेंट में तो सपोज करो कि ये ट्वेंटी अगर आपको पांच लाख चाहिए तो उसमें आपका मार्जिन कितना होगा ये कैसे पता चलेगा तो आप मार्जिन आपसे पूछ रहा है तो मार्जिन ये टोटल अमाउंट कितना है टोटल अमाउंट है पच्चीस परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसका हंड्रेड परसेंट कितना होगा ऑब्वियसली इसका हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी होगा अब ये ट्वेंटी लैक्स है ट्वेंटी लैक्स का फाइव कितना होगा 5 आप निकाल लीजिए यहां पर से कितना हो जाएगा लाख तो ये क्वेश्चन आया अब देखो इसमें भी है एमएसएमई के लिए गाइडलाइन क्या है यह भी क्वेश्चन आया था पिछली बार शायद आर एडवाइस टू तो ग्रांट वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट टू तो एमएसएमई कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ देयर